बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो अनाथ बहनें रहती थीं, सोना और मोना। सोना मोना से बड़ी थी, इसलिए वह मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करती थी और जो भी पैसे मिट्टी के बर्तन बेचकर मिलते थे उसी से सोना अपनी छोटी बहन मोना को पढ़ाती थी और उसका पालन पोषण करती थी। एक दिन मोना सोना से कहती है, दीदी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे नोटबुक खरीद कर लेकर आनी है, मेरी पूरी नोटबुक भर चुकी है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। और हाँ दीदी, मुझे पेन भी लेकर आना है। मोना, मेरी प्यारी बहन, अगर तुम कल तक रुक सकती हो तो रुक जाओ, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। कुछ समय से बहुत कम बर्तन बिक रहे हैं, दो वक्त का खाना जुटाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, अभी तुम्हारे स्कूल की फीस भी जमा करनी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा, मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगी, मगर तुम्हारी पढ़ाई बंद नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर सोना अपने मिट्टी के बनाए हुए बर्तन बेचने चली जाती है। सोना एक गांव से दूसरे गांव जाती है ताकि उसके बर्तन ज्यादा से ज्यादा बिक सकें। बर्तन ले लो, बर्तन मिट्टी के बने हुए बर्तन ले लो, सुंदर सुंदर चित्रकारी के बर्तन ले लो, अच्छी चिकनी मिट्टी के बर्तन ले लो, बहुत सुंदर सुंदर हैं, बर्तन ले लो बर्तन। ऐसे आवाज लगाकर सोना अपने मिट्टी के बर्तन बेच रही थी, लेकिन आज भी सोना के बर्तन ज्यादा नहीं बिकते, सिर्फ इतने ही बिकते हैं कि वह अपना और अपनी बहन का पेट भर सके। तभी सोना सोचती है, अरे आज फिर इतने कम बर्तन बिके हैं, इसमें तो सिर्फ हम दोनों बहन खाना ही खा सकते हैं। मगर मोना को स्कूल की नोटबुक और पेन की जरूरत है, मैं आज भूखी ही रह जाती हूँ, और मोना को खाना खिलाकर जो भी पैसे बचेंगे उसकी मोना को नोटबुक और पेन दिला दूंगी। हाँ यही ठीक रहेगा, मेरी बहन की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। ऐसा सोचकर सोना मोना के लिए खाना ले जाती है और उसकी नोटबुक और पेन भी। मोना खाना खाने लगती है, तभी मोना सोना से कहती है, दीदी आप खाना नहीं खा रही? नहीं मोना, मैं बाहर से खाना खा कर आई हूँ, एक आंटी ने मुझे अपने घर का स्वादिष्ट खाना खिलाया, उन्हें मेरे बर्तन बहुत अच्छे लगे, इसलिए खुश होकर उन्होंने मुझे अपने घर का खाना खिलाया। अब ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, खाना खाकर सो जा, तुझे सुबह स्कूल भी जाना है। सोना का उदास चेहरा देखकर मोना समझ जाती है कि सोना झूठ बोल रही है, उसने खाना नहीं खाया, वह भूखी है। तभी मोना सोना से कहती है, दीदी मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं, आपने खाना नहीं खाया। दीदी आप रात को बर्तन बनाती हैं और सुबह को पूरे दिन इतनी कड़ी धूप में बेचती हैं, आप मुझे कितनी मेहनत से पढ़ा रही हैं, आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए आप सिर्फ मेरे लिए खाना लेकर आई, मैं पेट भर कर सो जाऊं और मेरी बहन भूखी रहे ये मैं नहीं देख सकती, ये खाना हम दोनों बहन मिलकर खाएंगे। मोना उसी खाने में से अपनी बहन को खाना खिलाती है और दोनों बहन आधा आधा खाना खाकर सो जाती हैं। सुबह होने के बाद हमेशा की तरह मोना स्कूल चली जाती है और सोना अपने बनाए हुए बर्तन बेचने के लिए। ऐसे ही समय बीत रहा था, एक दिन सोना अपने बर्तन बेच रही थी तभी उसके पास एक बच्चे के साथ एक औरत आती है और वह सोना से कहती है, मेरा बेटा कह रहा था उसके स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने चाहिए, तुम्हारे बर्तन मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्या तुम मेरे बेटे के लिए मिट्टी के खिलौने बना सकती हो? अगर तुमने सुंदर सुंदर खिलौने बनाए तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल सकते हैं। उस औरत की बातें सुनकर सोना बहुत खुश हो जाती है और उस औरत से कहती है, जी आंटी बिल्कुल, आप जैसा चाहती हैं आपको वैसे खिलौने मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता तो है ही मिट्टी के बर्तन बनाने में थोड़ा समय लगता है, पहले उन्हें बनाने पड़ते हैं, फिर सुखाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर चित्रकारी होती है, अगर आपके पास समय हो तो आप जैसा चाहेंगी आपको वैसे खिलौने मिल जाएंगे। ठीक है, 15 दिन बाद तुम मुझे खिलौने सामने वाली बिल्डिंग में देने आ जाना, और हाँ याद रहे मेरे बेटे का ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, काम कर पाओ तभी हाँ करना। ठीक है आंटी जी, आप चिंता ना करो, आपको समय पर आपके बेटे के लिए खिलौने मिल जाएंगे। ऐसा कहकर सोना घर आ जाती है। घर आने के बाद सोना मोना से कहती है, मोना मेरी प्यारी बहन, तुझे पता है मुझे मिट्टी के खिलौने बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर के
बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। उसके बाद तेरे स्कूल की फीस आराम से जमा हो जाएगी और तू अब स्कूल को नई ड्रेस पहन कर जाएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। दीदी मैं भी बहुत खुश हूँ। दीदी आप अपने लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आना और मिट्टी के खिलौने बनाने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। सोना रात दिन मेहनत करती है, खेतों से मिट्टी लेकर आती है, मिट्टी लाकर खिलौने बनाती है। सोना जितने मिट्टी के खिलौने उस औरत ने मांगे थे सभी खिलौने 12 दिन के अंदर अंदर बनाकर तैयार कर देती है। सोना बहुत खुश थी कि उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, उसकी कुछ तो गरीबी खत्म हो ही जाएगी। लेकिन अचानक उस रात बहुत तेज बारिश आ जाती है। सभी खिलौने बाहर रखे थे और वह बारिश के पानी से बह जाते हैं। अपनी मेहनत को इस तरह से पानी में बहता हुआ देखकर सोना बहुत रोती है। ये क्या अनर्थ हो गया, सभी खिलौने बारिश के पानी से बह गए। मैंने कितनी मेहनत से रात दिन एक करके ये खिलौने बनाए थे और आंटी जी को तो ये 2 दिन बाद सभी खिलौने देने थे। उनके बेटे का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं आंटी जी को क्या जवाब दूंगी। ये क्या हो गया, आज ही बारिश को आना था, पता नहीं अब क्या होगा। ऐसा कहकर सोना बहुत रोती है। मोना सोना को संभालती है लेकिन सोना का रोना बंद नहीं होता। सोना रोती रहती है। तभी भीगती हुई एक बूढ़ी औरत आती है सोना के दरवाजे पर और वह सोना से कहती है, बेटा क्या तुम मुझे अपने घर में कुछ समय के लिए रहने दोगी। जब तक बारिश बंद होती है मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ, मुझे सर्दी भी लग रही है। हाँ हाँ अम्मा जी आ जाइए। ऐसा कहकर सोना उस बूढ़ी औरत को अपने घर में बुला लेती है और उस बूढ़ी औरत की दोनों बहन बहुत सेवा करती हैं। खुद के लिए जो एक समय का खाना रखा था वह खाना भी उस बूढ़ी औरत को खिला देती हैं। तभी वह बूढ़ी औरत एक परी के रूप में आ जाती है और वह सोना और मोना से कहती है, सोना और मोना तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास घर में सिर्फ एक ही समय का खाना था, वो खाना भी तुमने मुझे खिला दिया। सोना मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तभी मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाही और तुम मेरी परीक्षा में पास हो चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें बादलों में भेजती हूँ। वहाँ पर जादुई 2 पर्स के घर हैं, वहाँ से तुम दोनों बहनें एक एक जादुई पर्स का घर लेकर आओगी। परी जी बादलों में जादुई 2 पर्स के घर, मगर वहाँ हम कैसे जाएंगे और उस जादुई पर्स के घर से क्या होगा। मोना उस जादुई पर्स के घर के अंदर हर चीज होगी, सोना चांदी हीरे जवाहरात, और तुम उस घर के अंदर रह भी सकती हो। और उसके अलावा तुम बादलों के जादुई पर्स के घर से जो भी कुछ मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम्हें हमेशा बादलों के जादुई पर्स के घर से कभी भी लालच नहीं करना। अगर तुमने कभी भी लालच किया तो वह जादुई पर्स का घर गायब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सोना और मोना परी की बातें सुनकर खुश हो जाती हैं और उसे धन्यवाद भी कहती हैं। तभी परी वहाँ पर एक जादुई सीढ़ी बनाती है और सोना और मोना को बादलों में जाने के लिए कहती है। उसके बाद सोना और मोना उस जादुई सीढ़ी की मदद से बादलों में पहुँच जाती हैं। उन्हें वहाँ जाकर जादुई पर्स के 2 घर नजर आते हैं। तभी दोनों बहनें बादलों से एक एक जादुई पर्स का घर अपने साथ ले आती हैं। सोना अपने जादुई पर्स के घर से कहती है, ए जादुई पर्स के घर मुझे तुरंत सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने मिल जाएं। सोना के इतना कहते ही जादुई पर्स का घर सोना को बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने देता है। उन्हें देखकर सोना बहुत खुश हो जाती है और समय रहते उस औरत के घर पर दे आती है जिसने सोना को खिलौने का ऑर्डर दिया था, और वह औरत सोना को बहुत सारे पैसे भी देती है। सोना बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों बहनें जादुई दोनों पर्स के घर से बहुत खुश थी। अब उन्हें कुछ भी करना नहीं पड़ रहा था। मोना ने स्कूल भी जाना बंद कर दिया। एक दिन सोना मोना से कहती है, मोना बहुत समय हो गया तुम स्कूल नहीं जा रही। अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो तुम्हारा स्कूल से नाम नहीं कट जाएगा क्या। दीदी अब स्कूल जाकर क्या फायदा, स्कूल तो मैं इसलिए जाती थी ताकि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर सकूं। लेकिन अब तो देखिए हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ तो है हमारे पास, फिर मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत, इसलिए मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। मोना ये तुम कैसी बातें कर रही हो,
अगर हमारे पास सब कुछ है तो तुम अब कभी पढ़ोगी नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। माँ पिताजी के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, इसलिए मैं पढ़ नहीं सकी। तुम्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है, अब तुम पढ़ना नहीं चाहती सिर्फ इसलिए कि हमारे पास इतनी सारी धन दौलत है। मोना, इंसान के पास चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, लेकिन वह धन दौलत कभी भी ज्ञान की कमी को पूरा नहीं कर सकती। सोना की बातें सुनकर मोना रोने लगती है और रोते हुए सोना से कहती है, दीदी मुझे माफ कर दो, इतनी सारी धन दौलत देखकर मुझे लगा अब पढ़ने का कोई फायदा नहीं, लेकिन आप ठीक ही कह रही हैं, ज्ञान की कमी को धन दौलत पूरा नहीं कर सकती। दीदी हमें बादलों के जादुई पर्स के घर वापस कर देने चाहिए। आप जैसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाती थी, आप वैसे ही मिट्टी के बर्तन बनाना और मैं मन लगाकर पढ़ाई करती रहूंगी जैसे पहले करती थी। हाँ मोना, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। जब मैं मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचती थी, जो भी पैसे मिलते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई होती थी। अब सिर्फ बिना मेहनत करे इस तरह से खाना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं मेहनत करूंगी और अपनी मेहनत की कमाई से हम अपने लिए एक घर बनाएंगे और उसमें रहेंगे, ऐसे जादुई पर्स के घर में नहीं रहेंगे। बादलों के जादुई पर्स के घर ने हमें तो आलसी ही बना दिया। ऐसा कहकर दोनों बहन अपने अपने जादुई पर्स के घर बादलों में वापस कर आती हैं और वहां से आने के बाद अपना पहले की तरह जीवन बिताती हैं। सोना पहले की तरह मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करती थी और मोना मन लगाकर पढ़ाई करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सोना मिट्टी के बर्तन बेच बेच कर सोना ने अपने रहने के लिए एक घर खरीद लिया और मोना ने अच्छी पढ़ाई करके स्कूल में टॉप किया। अब दोनों बहन बहुत खुश थी कि दोनों बहनें मेहनत कर रही हैं।